अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? वालेकुम सलाम मैम जी, हम ठीक आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है। आवाज आ रही है बच्चों मेरी ठीक से? अच्छा, जी मैम आ रही है। बच्चों आपको कोई रिजल्ट अपलोड हुआ है अभी तक प्रीवियस सेमेस्टर का? अस्सलाम वालेकुम मैम, अभी नहीं रिजल्ट अपलोड हुआ। नहीं कभी नहीं ना हुआ? अच्छा, मैम किसी के भी नहीं हुआ। कल मैम राबे से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि टीचर्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो रिजल्ट जो है ना फाइनलाइज कर दे। जी, बस वो थोड़ा मसला था एनरोल्ड स्टूडेंट्स का, तो आई थिंक उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो चलिए यस अब मैम, वो सॉर्ट आउट हो चुका है। चलिए, फिर एक दो दिन में हो जाएगा। वैसे भी आजकल टीचर जरा काफी बिजी हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रीवियस सेमेस्टर है, मतलब आप सब पहले स्टार्ट हो गए थे, आपका सेमेस्टर थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो उनके फाइनल्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से तो नहीं है, आई थिंक 28 से हैं, और आपके भी आई थिंक 28 से अब फिजिकल क्लासेस होंगी। यस मैम, 28 से फिजिकल अभी तो कहा है, लेकिन अब देखें तब तक क्या और सिचुएशन होती है, या ये डिसीजन रखते हैं, अल्लाह करे वैसे हो जाए तब तक तो। और आपके मैम बच्चों का नोटिफिकेशन आया हुआ है। सॉरी कुछ पता लगा है? मैम किस चीज का? मिड का मतलब जो आपका दिया गया था, उन्होंने पूरा उसमें तो आपके मिड जो है वो 21st से हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन तो फिर मैम भी वो जो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे पीछे भी हो सकते हैं। सुनने में यही आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ही रहेगा, लेकिन शेड्यूल हमें अभी तक मिला नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, पूछ लेंगे, मतलब जो भी आपके एग्जाम कोऑर्डिनेटर है उनसे भी एक दफा पता कर लेते हैं कि क्या कहते हैं हम। ओके मैम। जी बच्चों, ऐसा करते हैं फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपकी आज प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मैंने सोचा कि हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं आज, जो प्रेजेंटेशन जो है वो सैटरडे वाली क्लास में ले लेते हैं, तो इसीलिए फिर आज हम दोनों क्लासेस में पढ़ेंगे। और आपको थोड़ा सब्र से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर में भी करने में थोड़ा सा या पढ़ने में आपको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ना प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब आपको उसको ज़्यादा अच्छी तरह से आपको नो हाउ होगा। लेकिन एनीवेज स्टार्ट करते हैं, और जहां से आपको ना समझ आए बच्चों जरूर पूछिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ना, तो कई दफा चीजें नहीं भी समझ आती, तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पूछ लीजिएगा कुछ ना समझ आए, कुछ भी मसला हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है आपके साथ। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं या वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, कि ये सम हाउ कुछ स्कोर्स होते हैं जो कि वेरी कर जाते हैं अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से, तो उनमें मतलब हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम डिफरेंट अदर स्कोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और जी टेस्ट को भी हमने उस दिन देखा था थोड़ा सा। जी टेस्ट बच्चों एक्चुअली एक टेस्ट होता है, वैसे तो ये स्टेटिस्टिकल का टेस्ट है, और हम लोग इसको मतलब जब भी आपने रिसर्च करनी है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत के मुताबिक इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब ऑब्वियसली आप एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, या एक टेस्ट को क्या कहते हैं उसे, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, या आप उसे कह रहे हो अडेप्ट कर रहे होते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं, तब ये ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। अब जी टेस्ट में होता क्या है, मे बी आप लोगों ने अपनी स्टैट्स में इसको किया भी हो, बाय हैंड या बाय मैनुअली किया होगा, तो जी टेस्ट बच्चों जो स्कोर होता है ना, उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ वैल्यूज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। जैसे जी टेस्ट का मीन जो है वो हमेशा जीरो होता है, आपकी बाकी वैल्यूज जो भी आ रही हैं, लेकिन वो वैल्यूज इस तरह से आती हैं प्लस माइनस की तरह, जैसे इनके अगर किसी वैल्यू के दरमियान प्लस है तो दूसरे उसका नेक्स्ट कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि माइनस, मतलब अगर -2 है तो कोई ना कोई होगी जो कि माइनस और +2 होगी, फिर इसी तरह अगर कोई वैल्यू +5 है तो कोई और वैल्यू भी होगी जो कि -5 होगी, तो इस तरह से वापस में वो अलजेब्रा का रूल है ना, कि मतलब जो इस तरह की दो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और मतलब अगर सेम आपके पास आ रहा तो कट कर देती हैं एक दूसरे को, तो इस तरह से कट होते 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 जी स्कोर जो है उसका मीन हमेशा आपके पास जीरो आता है, और इस तरह से उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो हमेशा 1 होती है। अभी आप कह सकता है इसमें से तो याद रखिए इसका माइक कौन है, अच्छा जी, तो जी स्कोर का मीन जो है वो हमेशा जीरो होता है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होती है, और इसे हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि हम अपनी वेरिएबिलिटी को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करने की, या समहाउ उसको अपने डेटा में कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
अब जी स्कोर एक्चुअली ज्यादातर हमें ये भी मतलब ये भी यूज करने के लिए यूज होता है, ये पता करने के लिए कि अगर हम एक नॉर्मल स्कोर कह रहे हैं किसी को, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों कल हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो बेल शेप होता है, जैसे ये भी आपको सामने नजर भी आ रहा है। अब आप देखो जब आप इस वाली बेल को देख रहे हो, ये वाली बेल जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस बेल में जो सारे स्कोर्स हैं वो 50-50% है दोनों साइड्स पे, ठीक है, मतलब कहीं पे वो कम नहीं हो रहे, ज्यादा नहीं हो रहे, 50-50% है साइड्स पे, मतलब एक साइड पे अगर प्लस 1.65 है तो दूसरी साइड पे माइनस 1.65 है, यानी कि उसके एजिस पे 5-5% डाटा, ठीक है। अब इसी तरह जब हम इधर आते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबिलिटी को देखते हैं तो ये भी है तो बेल शेप्ड कर्व, लेकिन इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर्स की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक साइड पे डाटा बिल्कुल 50% है और 50% जो है वो नॉर्मली हर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे तो 16% एज की तरफ है और 34% दरमियान में है, तो इस तरह इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के मतलब प्लस 1 आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमें पता चल जाता है कि जी स्कोर हमें बता रहा होता है कि अच्छा आपके बेल शेप्ड कर्व में डाटा जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस साइड पे जरा ज्यादा है, किस साइड पे कम है, इस तरह से। अब जी स्कोर है, हमें पता है कि जी स्कोर का कॉमन मीन हमेशा 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होगी, लेकिन उसका अब आपका ओरिजिनल स्कोर जो भी हो, कुछ भी हो, उसका उससे कोई भी वास्ता नहीं होता, लेकिन जी स्कोर आपके टेस्ट की जो हम लोग नॉर्म्स बना रहे होते हैं ना, उसको शेपअप करने के लिए या उसको डिवेलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों जी स्कोर के बारे में? एमएससी ठीक है, कहीं से कुछ ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अच्छा बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं कि somehow हम लोग बजाय इसके के जब हम स्टैट्स में भी या डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी अपना डाटा एंटर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मतलब उसकी वेरिएबिलिटी या उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाह रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हम सारी वो वैल्यूज निकाल कर देखें, हम उसके ग्राफ्स की शक्ल में उसको ले आते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ग्राफ की शक्ल में उसको लेकर आना थोड़ा ज्यादा इजी होता है, कि जब आप उसको ग्राफ की शेप दे देते हैं या आप ये कमांड देते हैं कि जी आपको ये जो डाटा है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ चाहिए, तो जो आपको ग्राफ बना के देता है तो वो ग्राफ जो होगा ना वो बेल शेप कर्व होता है। जो बेल शेप कर्व होता है उसको हम लोग हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर या नॉर्मल कर्व कहते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि अगर बेल की तरह का मतलब जरूरी नहीं है कि वो सेम बिल्कुल सीधी बेल बनी हो, लेकिन somehow उसकी सिमिलैरिटी जो है वो एक बेल की तरह होती है। तो जब हमें कोई ऐसा डाटा मिल जाता है, इवन इंशाल्लाह ताला आप लोग बच्चों अभी रिसर्च कर भी रहे हैं, आप लोग डाटा इकट्ठा करेंगे और उसको एंटर करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे, बल्कि इंशाल्लाह ताला हम इसको करके भी देखेंगे, तो जो बेल की शक्ल में डाटा अगर आपको एक ग्राफ निकाल के दे देता है तो उसका मतलब होता है कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब बेल किस किस तरह के होते हैं, कुछ में बेल जो होती है वो यूनिमॉडल होता है। यूनिमॉडल बेल के अंदर ना जिस तरह से भी हम ऊपर वाला बेल देख रहे थे, तो उसके अंदर एक ना हम्प बना होता है, जस्ट लाइक अ कैमल हम्प, जिस तरह से एक ऊंट का वो हम्प बना होता है उसकी तरह बना हुआ होता है, कि यानी कि दरमियान से जिस तरह वाकई बेल बनी होती है उस तरह का होता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर डाटा जितना भी है वो हर हर पॉइंट पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा ये कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 90% 85% जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो डाटा है वो सेंटर के साथ साथ ही है, उसके ज्यादा मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा दूर नहीं गई है उससे जो भी आप डाटा लेना चाह रहे थे, ठीक है, यानी कि वो उसकी बेस के साथ साथ ही चल रही है। इसी वजह से वो जो डाटा है आपका वो उतना ज्यादा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और उसके साथ साथ वो सेंट्रल टेंडेंसी उसकी बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन समहाउ क्या होता है, कुछ शेप्स बेल की तरह तो आती हैं, लेकिन कभी वो एक तरफ झुक जाती है बेल, और कभी मतलब लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, कभी राइट साइड पे चली जाएगी, कभी बेल के एक की बजाय दो हम्प बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना थोड़ी बहुत डेविएट कर रही होती है नॉर्मेलिटी की तरफ से, लेकिन वो हमारे हमें साथ साथ फिर वो कुछ वैल्यूज भी देते हैं कि जी अच्छा अगर आपकी डेविएशन इतने परसेंट हो रही है या आपकी डेविएशन की वैल्यूज इस हद तक आ रही है तो इट मीन्स इट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा कर रही है तो फिर आप ट्राई करें या आप देखें कि आपका वो आइटम जो है इसमें ना आइटम टू आइटम सिक्योरिस कर्टोसिस हम लोग निकाल रहे होते हैं और देख रहे होते हैं इसमें क्या होता है। बच्चों कर्टोसिस की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 7 के दरमियान होना, मतलब उससे ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, प्लस माइनस 7 हाँ, और जो सिक्योनिस की वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और अगर कहीं पे अगर वो कहीं पे ज्यादा एक्सीड कर भी जाती है तो इट मीन्स वहां पे कोई ना कोई मसला है उसके साथ आपका जो भी आइटम है, फिर हमें उसे चेक करना पड़ता है,
आइटम को पढ़ने के बाद समाओ हमें पता चलता है कि शायद लोगों ने इसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया है, या लोगों ने इस आइटम के साथ बहुत, या हम लोगों ने कहीं पे आइटम को पुट करते वक्त, फॉर एग्जांपल अगर कोई आइटम था किसी बच्चे ने, या आइटम की जो वैल्यूज थी या उस स्केल की जो वैल्यूज थी वो 0 से लेकर 5 तक थी, तो गलती से हम लोगों ने 5 को 2 दफा प्रेस कर दिया तो 55 लिखा गया। तो इस वजह मतलब इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स है जो कि हमें बाद में देखना भी पड़ रही होती है। ठीक है, अब कर्टोसिस का मतलब होता है नॉर्मेलिटी से जब डेटा जो है वो ज्यादा पीक की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है तो उसे हम कर्टोसिस बोलते हैं। अब कर्टोसिस भी 2 तरह की होती है, एक होती है लेप्टोकर्टोसिस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत ज्यादा पीक की तरफ हो जाता है, और एक होती है प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेटिकर्टिक में क्या होता है बच्चों, इसमें ना डेटा थोड़ा सा फ्लैटर हो जाता है, यानी कि किसी एक पीक की तरफ भी नहीं जा रहा होता, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होता, जैसे आप कह लो कि थोड़ा फैल सा जाता है, और इसको कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। इसमें क्या होता है मतलब अगर कोई डेटा बहुत ज्यादा पीक की तरफ जाएगा लिपोकर्टिक में तो उसमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा अच्छा सिर्फ ये आइटम थोड़ा मसला कर रहा है, इसी वजह से डेटा सारे का सारा उस तरफ चला गया, चलो हम इसको चेक करते हैं। लेकिन जब आप प्लेटिकर्टिक की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप चेक कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है अच्छा जी आइटम नंबर 3 भी बहुत ज्यादा पीक की तरफ जा रहा है, आइटम नंबर 4 भी जा रहा है, 7 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, 11 भी जा रहा है, मतलब वहां पे डेटा क्या होगा फ्लैट करता जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली इसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट मेजर्स लेते हैं, वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों होता है एक, हम जब मतलब अनदर टाइप ऑफ नॉर्मेलिटी मतलब जहाँ के हम डिपार्चर हो जाता है हमारा नॉर्मेलिटी से, वो है सिक्यूनिस। सिक्यूनिस बच्चों होती है जो कि हमें बता रही होती है कि हमारी जो सिमेट्री है राइट और लेफ्ट की तरफ, यानी कि हमारा जो दरमियान में कर्व बना था बेल शेप, राइट और लेफ्ट की तरफ हमारा डाटा कितना सिमेट्रिकल है या एक तरफ जाके कहाँ पे खड़ा हो गया। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ कर्टोसिस होती हैं, सिक्यूनिस होती हैं, एक होती है नेगेटिव सिक्यूनिस, और नेगेटिव सिक्यूनिस जो होती है उसमें डाटा जो होता है ना लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा हो जाता है, और लेफ्ट साइड की तरफ हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे वहां पे एक लंबी सी टेल बन गई है। और दूसरी होती है पॉजिटिव सिक्यूनिस, पॉजिटिव सिक्यूनिस जो होती है वो थोड़ा राइट साइड की तरफ हो जाता है। अब इसमें मतलब इसके अलावा मतलब ये जो इनको भी बाद में हमें चेक करना पड़ता है, फिर देखना पड़ रहा होता है, फिर बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जिसमें हमें लग रहा होता है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि वो 2 जगह पे जाकर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसीज जो है हमारे पास 2 आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ शेप्स दिखा देती हूँ। जी बच्चों नजर आ रही है? जी मैम आ रही है। अब आप देखो ये जो सबसे पहली, अच्छा बच्चों मैं यहाँ पे अब आपको साथ साथ जब बता रही होती हूँ ना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, उसको ध्यान में रखा करें। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला आपको कर्व नजर आ रहा है, मैं हो सकता है ये पिक्चर बना के आपसे पूछूं कि बताएं ये जो डाटा या ये मैंने पिक्चर बनाई है ये कौन सा डाटा शो कर रहा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, नेगेटिव सिक्यूनिस शो कर रहा है, पॉजिटिव सिक्यूनिस शो कर रहा है, या क्या शो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये नॉर्मल डाटा होता है हमारा, अगर आपके पास इस तरह का कर्व आया फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपका डाटा पूरी तरह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक मिनट बच्चों, उसके बाद बच्चों जब हम नीचे वाली साइड पे आते हैं, ये देखो लेप्टोकर्टिक की तरफ, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इसमें ना डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा, एक साइड है somehow थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ वो चला गया है, और वहां पे एकदम से एक पीक एक नोक टाइप चीज बन गई है, यहाँ पे एज बन गया, इट मीन सेंट्रल टेंडेंसी की तरह नहीं बना, बेल नहीं बनी है, तो यहाँ पे डाटा के साथ कोई ना कोई मसला है, फिर हमें उसको सेट करना पड़ता है। इस साइड पे अब जब आप प्लेटिकर्टिक की तरफ आते हैं इसमें डाटा फ्लैट हो जाता है, जैसे मैंने बोला था जी अच्छा 3 पे भी अब तो बहुत ज्यादा स्कोर आ रहे हैं, 4 पे भी बच्चों के वैसे आ रहे हैं, 7 पे भी जाके वही आ रहे हैं, 9 पे भी वही आ रहे हैं। अब आप देखो अब अगर इस तरह का डाटा होगा तो इट मींस उसको कंट्रोल करना और उसके जो आपकी फाइंडिंग्स आएंगी उसको बाद में आप लोगों को डिफेंड करना या उसको बाद में एक नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आना फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद है सिक्यूनिस वाला, ये देखो बच्चों ये नेगेटिव सिक्यूनिस है जिसमें डाटा टोटल सारा का सारा लेफ्ट साइड की तरफ चला गया, और ये है पॉजिटिव सिक्यूनिस जिसमें सारा डाटा राइट साइड की तरफ चला गया, इकट्ठा हो गया। अब ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा नहीं है, इट मींस इस डाटा के साथ भी हम लोग जब बाद में काम करेंगे तो हम अपनी चीजों को ये नहीं कह सकते अपनी फाइंडिंग्स को कि ये फाइंडिंग जो है मतलब इवन 70%, 60% या 80% भी जनरलाइजेबल है या रिलायबल है, क्योंकि हमें पता है हमारा डाटा ही ठीक नहीं आया। ठीक है, और नीचे आके हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो 2 हम्प बन गए, बाय मॉडल बन गए। अब इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसीज 2 आ रही है, जब सेंट्रल टेंडेंसीज 2 आ रही है तो हमारे स्कोर्स भी हर हर जगह पे 2-2 ही आएंगे,
इसीलिए हम इस तरह का डाटा को भी बाद में फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा बच्चों, जब इस तरह का डाटा आता है ना, तो somehow हम उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो एक सिंपल आसान सा मेथड ये होता है कि हमें लग रहा होता है शायद हमने डाटा बहुत कम लिया है, या फिर अगर डाटा भी बहुत ज्यादा लिया हो तो फिर हम ये देखते हैं कि हमने डाटा इकट्ठा कहाँ कहाँ से किया था। क्या हमने एक ही जगह से तो नहीं 70% डाटा इकट्ठा कर लिया और बाकी 30% डाटा जो है वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया। तो फिर हमें क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अब हम अगेन जो डाटा थोड़ा सा और इकट्ठा करें, तो उसमें हम लोग ये देखें कि हम किन किन जगहों पे किन किन प्लेसेस को ले रहे हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे पास आप यूँ कह रहे हो कि वेरिएशन होगी, जितनी ज़्यादा मल्टीपल प्लेसेस से डाटा लेंगे, जितना ज़्यादा आपका सैम्पल बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी वाला होगा, उतने ही ज़्यादा आपके जनरलाइजेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी कि मैंने कोई डाटा लिया, मैंने अपनी सहूलत देखी उसमें और मैंने सारे का सारा डाटा दी, मुझे लगा कि स्टूडेंट से डाटा लेना ईजी और मैंने उनसे ले लिया, तो ऑब्वियसली भी मेरे डाटा में, क्योंकि सम हाउ बच्चों जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो एज ग्रुप होता है सबका, सम हाउ जब आप एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अब सब स्टूडेंट्स हैं, वो आप हों, वो किसी लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सम हाउ आप सब लोगों के व्यूज़, ओपिनियंस और चीज़ें, और आजकल के ऑनलाइन पढ़ते हुए आप जो भी मेंटल मतलब डिस्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, तकरीबन वो सब एक जैसे हैं, तो आप सब मुझे एक ही तरह का डाटा देंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि नहीं, मैंने एज ग्रुप लिया है, ठीक है, मैं अब 30% डाटा स्टूडेंट से ले लेती हूँ, और स्टूडेंट से भी मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक ही जगह से नहीं लूँगी, वेरिएशंस लेकर आऊँगी उसके अंदर। जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो एक सिंपल मेथड है। इसके अलावा डिफरेंट अदर मेथड्स हैं जो कि फिर हम अगर ये ना कर सकें, ये प्रैक्टिकल मेथड है, अब जी हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमें वो चीज़ सबमिट भी करवानी है, सब कुछ काम भी करना है और हम नहीं कर सकते, तो फिर जो सेकंड स्टेप होता है कि फिर हम स्टैटिस्टिकली इनको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके लिए फिर आप हम लोग डिफरेंट अदर टेस्ट जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चले? जी मैम क्लियर है। उसके बाद बच्चों आहिस्ता हमारे स्कोर आना स्टार्ट हुए कि हम जब एक टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में कौन कौन से स्कोर होते हैं। सबसे पहला जो स्कोर होता है हमारा रॉ स्कोर होता है, जिसके बारे में हमने उस दिन भी पढ़ा था। रॉ स्कोर एक्चुअली हमारा सबसे ज्यादा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है कि जो हमें हमारा पार्टिसिपेंट दे रहा होता है। जैसे आप लोग हैं, आपके जो नंबर आते हैं ना बच्चों, वो आपका रॉ स्कोर होता है कि आपने इतने सही किए थे, इतने गलत किए थे, उसके बाद आपका ये स्कोर आ गया। लेकिन जब आप आगे देखते हैं, आप नंबरों को कभी नहीं देखते कि यार मेरे ये नंबर आए थे, मेरे फलां नंबर आए थे, मेरे वैसे नंबर आए थे। आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, एमएससी किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हो बच्चों? मैम क्या पूछा? ऊंचा बोले बच्चों, मुझे आवाज नहीं आ रही। बच्चों हम लोग सीजीए भी, आप लोग सीजीए भी को ज्यादातर देख रहे होते हैं, ग्रेड्स को देख रहे होते हैं। कोई आपसे पूछे आपके मार्क्स कितने हैं, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसके 48 मार्क्स आए हैं 3 credit hours वाले सब्जेक्ट में, तो उसका ग्रेड भी ये है, मतलब ये है माइनस, अब तो ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब एक पर्सन है उसके, पहले ऐसा होता था कि 48 मार्क्स हैं तब भी ग्रेड ए ही है और सिंपल ए होता है, और 52 मार्क्स है तब भी एट है और ए है, और जी इवन अगर आपके 60 में से 59 मार्क्स है तब भी आपका ग्रेड ए ही है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम कह रहे हैं जी ग्रेड ए है, तो इट मीन्स कि आपका रॉ स्कोर जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बाद में उसी रॉ स्कोर को हमने कन्वर्ट करना होता है किसी न किसी स्टैंडर्ड स्कोर में, जिसके बारे में हम अभी जाकर पढ़ेंगे। तो रॉ स्कोर एक्चुअली हमारे सब टेस्ट का वो स्कोर होता है जो इमीडिएट आता है। आप जब भी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे सम हाउ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें पहले रॉ स्कोर होता है, रॉ स्कोर के बाद उन्होंने उसको किसी ना किसी स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया होता है, जो कि उनके एक्चुअली नॉर्म रिलेटेड स्कोर होते हैं, जिसमें आपके परसेंटाइल हो सकते हैं, टी स्कोर हो सकते हैं, जी स्कोर हो सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है, आपके ग्रेड्स हो सकते हैं, आपके परसेंटाइल रैंक्स हो सकते हैं। तो यानी कि रॉ स्कोर चाहिए हमें ज़रूर होता है, उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते, लेकिन हम रॉ स्कोर की बेस, बाद में रॉ स्कोर को बेस बना के कुछ नहीं बोलते, बाद में जो आपके स्टैंडर्ड्स मतलब जो आपने अपनी नॉर्म सेट की हुई है, बाद में हम लेकर सिर्फ उन्हें ही चलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों केस ऑफ थीटा है, इसकी हम लोगों को अभी कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ये बहुत कोई एडवांस लेवल पे जाके हम लोग ये चीजें करते हैं और ये बहुत कम यूज होती है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका सिलेबस खत्म होने के बाद कोई इस तरह के टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला जो चीजें हम नहीं पढ़े उनको तब देखेंगे, अभी हम वो पढ़े जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने ज्यादा यूज भी होती है।
ठीक है। अब देख ले, हमने थीटा वाला नहीं पढ़ा है, इसको कहीं लिख भी ले ताकि बाद में आप परेशान ना हो। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आ गई है हमारी नॉर्म्स। अब हमारी बच्चों टेस्ट नॉर्म्स किस किस टाइप्स की होती हैं? जैसे हम लोगों ने उस दिन नॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि नॉर्म्स एक्चुअली वो होती हैं करेक्टरिस्टिक्स के जो बेस कर रही होती हैं किसी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे, कि हम लोगों ने उस सैंपल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ग्रेड्स बना लेते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटाइल रैंक बना लेते हैं, और उसके बाद बाकी आप जितनी भी पॉपुलेशन पे वही टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उन्हीं स्टैंडर्ड स्कोर्स के, उन्हीं नॉर्म स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही रेट किया जाता है। बेशक वो नॉर्म स्कोर आपको लगे कि इतनी पुरानी हो गई हैं, ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं, इवन जब हम लोग SPM करेंगे, डिफरेंट अदर हमारी टेस्ट हैं वो करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे बच्चों कि जब आप वो टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको लगेगा ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है या हमें हमारे अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें उनके नॉर्म स्कोर के अकॉर्डिंग चेक कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं टेस्ट नॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर उन्हें छोटी सी यहाँ पे दिया हुआ भी है, चले बच्चों। अच्छा जी, मेजर कैटेगरीज ऑफ टेस्ट नॉर्म जो हैं वो परसेंटाइल रैंक्स हैं, स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं और डेवलपमेंटल नॉर्म्स हैं। अब इन सबको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बच्चों परसेंटाइल रैंक, और परसेंटाइल रैंक एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में या रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होता है हर जगह तकरीबन, और इवन बच्चों हमारी बहुत सी एजुकेशनल टेस्टिंग है वहां भी हम परसेंटाइल रैंक यूज करते हैं। अब एक ध्यान रखिएगा बच्चों, परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक और इवन परसेंटेज, ये तीनों चीजें एक जैसी नहीं है। परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, 60-100 में से जो भी आपका स्कोर आ रहा होता है उसको देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर 90% आया तो इट मीन्स आपने सिर्फ 10% मिस्टेक की है, और अगर आपका स्कोर 99% आया तो इट मीन्स आपने जस्ट 1% मिस्टेक की है। लेकिन परसेंटाइल में और परसेंटाइल रैंक में ऐसा नहीं होता। इवन बच्चों आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में या सेमेस्टर खत्म होने के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए डिफरेंट टेस्ट देंगे, गैट से रिलेटेड है, GRE टेस्ट है, या कोई भी टेस्ट है, तो आप देखेंगे वहां पे आपका एक रास स्कोर लिखा होता है, उसके बाद आपका परसेंटाइल रैंक लिखा जाता है। परसेंटाइल बच्चों ये थोड़ी सी ना एक मतलब क्या कहूँ मैं आपको, आसान अल्फाज में कैसे समझाऊँ, हम लोग ना एक कोई रास स्कोर रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई टेस्ट लिया, सिंपल वर्डिंग में आपको समझा रही हूँ, मैंने आपसे कोई टेस्ट लिया, ठीक है, और टेस्ट में मैंने सोचा है कि बच्चों का टेस्ट, क्योंकि टेस्ट बहुत इजी था, ठीक है, और मैंने सोचा है कि इसमें सम हाउ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है ना वो 85 आने चाहिए या 90 आने चाहिए। अब 90 मेरा एक गिवन जो है रॉ स्कोर दिया है मैंने आपको, अब उसके बाद आपके आएंगे मार्क्स, तो मैं कहूंगी जी यहाँ पे इस क्लास का जो परसेंटाइल रैंक है या इन चीज़ों का जो परसेंटाइल रैंक है या वो जी इस क्लास में 70% स्टूडेंट्स या 90% स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल रैंक है वो 98 है। इट मीन्स के 90% लोगों ने या 98% लोगों ने या 98% लोगों, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उस गिवन डाटा या उस गिवन रॉ स्कोर से जो फॉल कर रहे थे स्कोर वो हासिल किए, यानी कि उन्होंने ठीक अटैम्प्ट किया। आपने कई दफ़ा देखा है बच्चों कि कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि टेस्ट बहुत, मतलब जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप कहीं पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या आप इस तरह के किसी भी काम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर टेस्ट बहुत मुश्किल बनाया जाए, मतलब एक टेस्ट है उन्हें लग रहा होता है कि टेस्ट बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद वो ये भी आपको वहाँ पे ना एक एज भी देते हैं कि आपके जो स्कोर है वो उनको कम कर देते हैं, कह देते हैं कि जो 60% तक भी किसी ने स्कोर लिए या यहाँ इस मतलब 48 रख लेते हैं या कुछ भी रख लेते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, जितना ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है उन्हें लग रहा होता है स्टूडेंट नहीं कर सकेंगे। उसमें अब क्या होता है, स्कोर आपका आता है 59। अब 59 अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 59 परसेंटेज के हिसाब से एक एवरेज या फिर एक बिलो एवरेज किस्म का स्कोर है, लेकिन अब आपका स्कोर 59 आया और परसेंटाइल रैंक आ रहा है आपका 90%, तो इसका क्या मतलब हुआ जी? MSc मतलब मैम हम उस चीज के लिए अप्रोप्रिएट हो जाते हैं ना हमारे स्कोर्स जो जो नहीं हो आपके परसेंटाइल। मैम जो उन्होंने हमारे लिए एक स्कोर अप्रोप्रिएट रखा होता है हम उस पर पूरे उतरते हैं 90% का।
अच्छा नहीं बच्चों, आप ये उसको परसेंटेज के साथ मिक्स कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि टेस्ट बहुत मुश्किल था या कुछ भी था, अब ज्यादा 90-90% लोगों ने यानी कि 60 से नीचे नंबर लिए हैं, इस वजह से वो पर्सन जो है वो 90% में आ गया है। अब परसेंटाइल 90% है, लेकिन जब मैं उसके स्कोर परसेंटेज देखती हूँ वो 59% है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो इसी तरह हमारे परसेंटाइल होते हैं, हम जब परसेंटाइल रैंक्स को लेकर चल रहे होते हैं, जैसे आपको पता है हर हर पॉइंट पे परसेंटाइल रैंक आपका चेंज हो रहा होता है। 100 में मतलब 1 है, 2 है, फिर 3 है, मतलब 10th percentile है, 20th percentile है, 30th percentile है, तो आपका आफ्टर 10 वो परसेंटाइल चेंज हो जाता है। आप लोगों ने बच्चों इवन किया होगा ना स्टैट्स में लास्ट सेमेस्टर में क्वार्टाइल्स परसेंटाइल। यस मैम। किसी को कुछ याद आया? जी मैम, जी याद मैं बताती हूँ, अब ये तो हो गया जी परसेंटाइल मैम, रैंक। अब दूसरा होता है कि परसेंटाइल रैंक आपने कर दिया, नेक्स्ट होता है कि परसेंटाइल खुद क्या होता है। अब जो परसेंटाइल होता है एक्चुअली, जब हम परसेंटाइल को देख के चल रहे होते हैं, परसेंटाइल को ज्यादातर मतलब परसेंटेज वाली टर्म उसके साथ आईएलए लिखा जाता है। परसेंटाइल वो एक पॉइंट होता है किसी भी स्केल से नीचे जहां पे हमें लग रहा होता है कि हमारे कितने परसेंट जो भी केसेस हैं वो उस परसेंटाइल रैंक से नीचे फॉल कर रहे हैं। अगर मैं कह रही हूँ जी एमएससी मोर्निंग जो है उसका मैंने कोई टेस्ट लिया था और मैंने परसेंटाइल मतलब परसेंटेज जो रखी हुई है आप लोगों के लिए स्पेसिफाइड परसेंटेज जो है वो 90% होने चाहिए आपके स्कोर। अब 90 से बिलो कितने लोग आए हैं? तो 90 से बिलो आ गए हैं टेस्ट में तकरीबन मतलब 88 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, तकरीबन क्लास के 80% स्टूडेंट 90 से बिलो आए हैं। इट मीन्स आपकी क्लास का जो रैंक बना है वो क्या बना है, 80 मतलब परसेंटाइल रैंक क्या बना है, 80th percentile। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों अभी तुम लोगों को ये थोड़ा सा लग रहा होगा, एक्चुअली ये हमें पढ़ाया या करवाया इसलिए जा रहा होता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी नो हाउ हो, लेकिन क्योंकि अब हमारे जो सारे ये सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि आपको इन्हें बाय हैंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग सिंपल वहां पे अप्लाई करेंगे सारी चीजें और बोलेंगे जी वहां पे कमांड देंगे परसेंटाइल की, तो आपके पास खुद ब खुद डाटा दे देगा। हाँ, उस डाटा को पढ़ने के बाद हमें पता चलना हो, तो उसको एवेलुएट करने के बाद हमें पता चल रहा होता है कि हाँ यहाँ पे हमारा ये डाटा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे अभी मैंने सिक्यूरिस और कर्टोसिस की बात की थी कि सिक्यूरिस और कर्टोसिस ठीक है आपके पास आ जाते हैं और आपको नंबर पता है, लेकिन बाद में चेक आपको ही करना पड़ेगा उसे कि कौन सा सिक्यूरिस जो है वो +-1 से या प्लस या सॉरी +-3 से या +-7 से आगे पीछे ना हो सके। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो बच्चों परसेंटाइल जैसे ये देखो ये 99% है और जो आगे ये SAT 9 है, NC है, IQ है, IQ 16 है, W sub है, T score है, SAT है, Z score है, ये percentile है। ये सारे वो scores हैं या वो actually standard norms हैं जो कि हम अपनी psychological testing में यूज करते हैं, लेकिन सबकी सब एक ही दफा यूज नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ percentiles को लेकर चल रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ टी स्कोर पे फोकस करते हैं, कुछ लोग जी स्कोर पे फोकस कर रहे होते हैं, और कुछ लोग W sub score, ये W sub, IQ और ये SAT 9 इन पे बहुत कम हम लोग फोकस करते हैं। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो परसेंटाइल होता है, टी स्कोर होता है और जी स्कोर होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक के ना बच्चों जहाँ पे कुछ फायदे होते हैं कि आपको ज्यादा लोगों को एक तरह की कैटेगरी में ले आता है, वहीं इसके बहुत से नुकसान भी होते हैं। अब मतलब अब नुकसान किस तरह मैं आपको मतलब इन द सेंस कि आप ये देख लो, सबसे पहले इसका सबसे जो अट्रैक्टिव फीचर तो ये होता है कि हमें परसेंट मतलब ये सिंपल होता है, इजीली आपको पता चल जाता है कि चीज़ें कहाँ से लेकर आनी है। परसेंट जो होता है स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग ना भी हो फटाफट परसेंटाइल रैंक जो है इजीली कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब जहाँ पे इसका ये फायदा है तो वहाँ पे इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। नुकसान सबसे पहला तो ये है बच्चों कि जब हम परसेंटाइल रैंक को परसेंटेज मतलब परसेंटेज वाली स्कोरिंग के साथ ना मिक्सअप कर देते हैं पढ़ते हुए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जी एक स्कोरिंग सिस्टम था, मैं जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 60% स्कोर आ रहा है तो वो परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखूंगी तो मेरे लिए 60% जो है जब हम देखते हैं परसेंटेज में तो एवरेज होता है, लेकिन वही 60% परसेंटाइल रैंक में 90% हो रहा है तो वहां पे हम हैरान हो जाते हैं कि वो 90 में क्यों चला गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डिफर है। जब हम ये इस तरह की मिस्टेक्स बहुत करते हैं अपने परफॉर्मेंस में टेस्टिंग में, तो उस वजह से एक ड्रॉबैक होता है। दूसरा ड्रॉबैक बच्चों ये होता है कि परसेंटाइल रैंक में ना इनइक्वालिटी होती है, मतलब आप यूं देखो कि अगर किसी का स्कोर जैसे आप लोग देखेंगे जब हम लोग इंशाल्लाह SPM टेस्ट करेंगे, SPM में भी ना बच्चों परसेंटाइल दिए जा रहे होते हैं,
जैसे वो परसेंटाइल देंगे जी 18 से 22 साल के लोगों का अगर स्कोर 47 आ रहा है तो इट मींस उनका जो परसेंटाइल है वो है क्या कहते हैं उसे 50 परसेंटाइल है या 50 परसेंटाइल है या 25th परसेंटाइल है। अब 18 से 22 वाले में मतलब हो सकता है कि 44 के अलावा मतलब उसने सिर्फ 44 है तो उसने 44 से आगे पीछे भी कोई स्कोर नहीं लिया हो लेकिन उसको भी परसेंटाइल के अंदर उसी तरह से ओवरकम कर दिया जाता है 3-4 को छोड़ के। अच्छा ये स्कोर यहाँ पे आप लोगों को इसकी सही समझ आएगी। ये देखो इसको जरा गौर से देखें, रा स्कोर आया है 7, 8, 9, 10, मतलब किसी का 7 आया, किसी का 8 आया, किसी का 9 आया, किसी का 10 आया। अब जिसका 7 आया है और जिसका 8 आया है, अब जिसका 9 आया और जिसका 10 आया है, अब इन चारों के दरमियान एक ह्यूज डिफरेंस है। 10 वाले का 3 आया मतलब उसका परसेंटाइल 3 आ रहा है, 9 वाले का 2 आ रहा है, लेकिन मैं पॉइंट्स मुझे सबको 2 ही देने पड़ेंगे। 7 वाले को भी मैं 2 पॉइंट दे रही हूँ, 8 वाले को भी मैं 2 पॉइंट दे रही हूँ, 9 वाले को भी मैं 2 पॉइंट दे रही हूँ, 10 वाले को भी मैं 2 पॉइंट दे रही हूँ। तो इस इन इक्वलिटी की वजह से कि मैंने सबको इन इक्वल कर दिया है, मैंने ये नहीं देखा है कि कौन सा किसी चीज को किस तरह से लेकर चल रहा है। फिर उसके बाद ये जो दरमियान में आपके सारे स्कोर्स आ रहे हैं ये वाले, इनके लिए कोई परसेंटाइल ही उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा जी अच्छा अगर ये वाला स्कोर जो है वो इस साइड पे ज्यादा मतलब इसके ज्यादा नजदीक है तो मैं इसको ये वाला पॉइंट दे दूंगी, और अगर वो इस साइड पे ज्यादा नजदीक है तो मैं इसको ये वाला पॉइंट दे दूंगी। यानी कि फिर ये वाले दरमियान वाले स्कोर्स है इनको कोई और पॉइंट्स भी तो मिलने चाहिए थे ना, तो उनके अपने कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस इनइक्वलिटी की वजह से भी सम हाउ परसेंटाइल का एक ड्रॉबैक है कि कुछ लोग इस वजह से भी इसको यूज नहीं करते हैं। समझ आइए बच्चों इस बात की, यहाँ पे जो वो बोल रहा है रा स्कोर का और इनइक्वलिटी का। एमएससी यस मैम। बच्चों जहां से चीजों की ना समझ आए पूछ लीजिएगा, 10 बार पूछे लेकिन जो भी पूछना हो लेक्चर में पूछा करें। अच्छा चले आगे चलते हैं, ये तो होते हैं परसेंटाइल। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ नॉर्म हमारी रिलेट कर रही है टेस्ट से होते हैं बच्चों हमारे स्टैंडर्ड स्कोर। जैसे अभी मैंने स्टैंडर्ड स्कोर की आपके साथ बात की थी कि समहाउ कुछ स्कोर है जिनको हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अगर आपका ये स्कोर आएगा तो इट मीन्स बस हम वो देखेंगे बाकी सब चीजों को भूल जाएंगे। स्टैंडर्ड स्कोर में यहाँ पे फार्मूला दिया गया, तुम लोगों को इस फार्मूला को देखने की या करने की कोई जरूरत नहीं है या ऐसा जिसको साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इसको भी हम आगे करते हैं। लेकिन वैसे आप लोगों को पता होगा हम किस तरह से लेकर चलते हैं, ये सारा उसका वो लिखा हुआ है। फिर आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीजें हैं, ये भी आप लोगों के लिए अभी इस लेवल पे कोई जरूरी नहीं है। जैसे अब आप देखो रा स्कोर 60 है लेकिन स्टैंडर्ड स्कोर 55 हो गया, रा स्कोर 61 है लेकिन स्टैंडर्ड स्कोर 56 है। अब इस तरह से को मतलब टी स्कोर में बाद में उनकी कन्वर्जन हो जाती है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग मतलब अभी तुम लोगों के लिए होगा, इसको भी छोड़ देते हैं अगर टी स्कोर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में या अभी आपको करने के लिए या प्रैक्टिकलिटी के साथ इस लेवल पे नहीं चाहिए। वो चीजें जो आप बच्चों इंशाल्लाह ताला जब आप एम फिल में होंगे या आप एमएस कर रहे होंगे कहीं से भी, तो तब आपको इन चीजों की ज्यादा जरूरत होगी और तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी, क्योंकि तब क्या होगा कि तब आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ टेस्टिंग भी कर ली होगी, रिसर्च को भी पढ़ लिया होगा, और इवन जब हम लोग टेस्टिंग कर भी रहे होंगे तब आप याद रखिएगा ये टी स्कोर, जी स्कोर, परसेंटाइल रैंक्स कई जगह पे आपको नजर आएंगे। उसके बाद बच्चों हम समहाउ क्या करते हैं टी स्कोर भी निकाल लेते हैं। टी स्कोर एक्चुअली हमारा स्टैंडर्ड स्कोर होता है जिसका मीन हमेशा 50% होता है और इस तरह इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमेशा 10 होती है। और टी स्कोर की जो इफेक्टिव मतलब अगर जी मैंने टी स्कोर लगा दिया है उसकी इफेक्टिव रेंज होती है वो 20 से 80 के दरमियान होती है। और ये टी स्कोर मतलब आप यूँ कह लो कि पर्सनैलिटी टेस्ट में थोड़े ये ज्यादा यूज होते हैं। MMPI आप लोग करेंगे वहाँ पे आपको उसको नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री मतलब वहाँ पे ये ज्यादातर शो हो रहे होते हैं। उसके बाद सैट है, GRE है, ये बच्चों आपके वो टेस्ट हैं या वो स्कोर्स हैं जो कि हम लोग अपनी एजुकेशनल टेस्टिंग में यूज करते हैं। जैसे भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी सब लोगों को कि जब आप लोग इस तरह के टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहाँ पे जो स्कोरिंग हो रही होती है GRE की स्कोरिंग है या उसकी स्कोरिंग है उनकी अपनी स्कोरिंग सिस्टम चल रहा होता है और ये अराउंड द वर्ल्ड सब लोगों के लिए सेम होता है। सैट है या GRE इसमें आपकी वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड होता है, अरिथमेटिक रीजनिंग से रिलेटेड होता है, टेक्निकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है, फिर उसके बाद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होता है, फिर उसके बाद IQs है बच्चों, IQ रेंजेस का आपको पता ही होगा कि IQ के में हम लोग किस तरह से IQ मैयर करते हैं, IQ का फॉर्मूला क्या है जिसमें आपकी मेंटल एज होती है, मेंटल एज को हम लोग आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अच्छा बच्चों अब डेविएशन IQ रेंजेस में भी हो रही होती है, मतलब IQ का एक
रेंज दे दी गई है। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि अगर किसी का आईक्यू 95% है तो आप कहेंगे कि ये अबव एवरेज है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, 110 होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद आईक्यूज में भी हमारी कुछ ना कुछ डेविएशन आती हैं। उसकी वजह क्या होती है बच्चों, समहाउ कुछ जो टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं ऐसे आईक्यू से ही रिलेटेड टेस्ट हैं। आप एसपीएम अप्लाई करेंगे उसका आईक्यू का लेवल देखेंगे वो अलग होगा, आप एचएफडी अप्लाई करेंगे एचएफडी का आईक्यू का मतलब फार्मूला यही है लेकिन एचएफडी की जो आईक्यू की रेंजेस हैं वो अलग है, ठीक है। फिर इसी तरह आप सिट अप्लाई करेंगे तो सिट की रेंजेस टोटली अलग हैं एक दूसरे से। फिर इसी तरह आप कोई और आईक्यू का आईक्यू से रिलेटेड टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उनकी अपनी रेंजेस होती हैं। फार्मूला सेम होता है लेकिन समहाउ उन्होंने अपने रा स्कोर के अकॉर्डिंग, अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और अपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमें ज़्यादातर आईक्यू से रिलेटेड जो डेविएशन है उनको भी फेस करना पड़ रहा होता है। सेट नाइन्स हैं, ये हमारे वो स्टैंडर्ड नाइन स्कोर्स होते हैं जो कि हम लोग देते हैं डिफरेंट टेस्ट में, ये बहुत ही कम यूज होता है, ना होने के बराबर यूज हो गए होते हैं, आप ये समझ लो। उसके बाद हमारे नॉर्मल कर्व की इक्विवेलेंस है, ये चीज़ें बच्चों आपके पढ़ने वाली नहीं है इसलिए ये हम लोगों ने अभी नहीं करनी, ठीक है। हम वो चीजें करेंगे जो थोड़ी ज्यादा इजी हैं। उसके बाद बच्चों हमारी डेवलपमेंटल नॉर्म आ जाती हैं। डेवलपमेंटल नॉर्म जैसे कि आपको पता ही होगा डेवलपमेंटल नॉर्म उन नॉर्म से रिलेटेड है या उन कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यूस होती हैं और चेंज होती रहती हैं। जैसे बच्चों आपकी एज रिलेटेड नॉर्म्स हैं, जैसे आपकी मेंटल एज से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, जैसे आपके ग्रेड से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, या जैसे आप कोई चीज़ है उसमें आप लोग परस्यू करते जाते हैं तो वो नॉर्म्स जो होती है क्योंकि वो डे बाय डे चेंज होती जाती हैं तो उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स होती है उन्हें हम डेवलपमेंटल नॉर्म्स कह रहे होते हैं। हम डेवलपमेंटल नॉर्म्स हम लोग इसीलिए बना रहे होते हैं, ज़्यादातर जो उस तरह की नॉर्म्स बनती हैं वो आपके आईक्यू से रिलेटेड टेस्टिंग में बन रही होती हैं, बाकियों में इतनी नहीं बनती लेकिन आईक्यू से रिलेटेड। जैसे मेंटल एज, अभी हमने मेंटल एज के बारे में पढ़ा था कि अगर आप 10 साल के हैं मतलब क्रोनोलॉजिकली तो उसके बाद जब आप आपकी मेंटल एज उस साल के बच्चे की तरह होती है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वो भी उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आती जाती हैं तो इसलिए जरूरी होता है उन चीज़ों को भी देखना। फिर ग्रेड इक्विवेलेंस है, वो भी आपका दिन बाय दिन चेंज होता रहता है। जैसे अगर मैं देखूँ कि आप अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे आजकल लोग बच्चों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या मैट्रिक में कितने ज़्यादा नंबर लेते हैं और जो बोर्ड में होते हैं उनके तो कई दफ़ा सिर्फ 5 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, 10 नंबर कम है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, तब तो आपके 250-100 नंबर भी कम होते थे आपने बोर्ड में टॉप किया होता था तो। लेकिन अब वो चीज़ें चेंज होंगी, क्यों? क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस बढ़ गए हैं, आपका एजुकेशन का सिस्टम चेंज हो गया है, उन्होंने चीज़ें ज़्यादा लर्न कर ली हैं। इस वजह से अगर हम देखेंगे तो अब डे बाई डे हम अपने डेवलपमेंटल नॉर्म्स को भी चेंज कर देते हैं कि जी नहीं ये हम लोगों को इस तरह नहीं लेकर चलना, उसको इस तरह से लेकर चलना है, उसके अंदर ये चीज़ को ये चेंज लेकर आना है, इस चेंज को इस तरह से एक्सेप्ट करना है। तो इस वजह से हमारी ग्रेड रिलेटेड नॉर्म्स भी चेंज हो जाती हैं। अच्छा एमएससी बच्चों, यहाँ पे हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है तो आप ना अभी 2 मिनट में दोबारा से ज्वाइन कीजिए ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? ठीक है मैम। चलो 2-3 मिनट में पानी शानी पिए और उसके बाद मैं बुलाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है मैम। ओके मैम। फिर इसको हम यहीं से अगेन चेक करते हैं कि हमने